भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सचिव जय शाह न्यूजीलैंड के ग्रेग बारकले के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट समिति के अगले अध्यक्ष होंगे। शाह निर्विरोध इस पद के लिए चुन लिए गए हैं और उनके कार्यकाल की शुरुआत 1 दिसंबर 2024 से होगी। 35 वर्षीय जय शाह ICC इतिहास के सबसे युवा चेयरमैन होंगे। उन्होंने कम उम्र में ही कई बुलंदियों को छुआ है और अब वैश्विक क्रिकेट के संचालन की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह के पुत्र जय शाह का क्रिकेट प्रशासक बनने का सफर 2009 में शुरू हुआ। उन्होंने अहमदाबाद में सेंट्रल बोर्ड ऑफ क्रिकेट के कार्यकारी सदस्य के रूप में काम शुरू किया। इसके बाद सितंबर 2013 में गुजरात क्रिकेट संघ यानी GCA के संयुक्त सचिव बने और उन्होंने अपने पिता तथा तत्कालीन GCA अध्यक्ष के साथ काम किया। शाह को BCCI में आने में ज्यादा समय नहीं लगा। वो पहले 2015 बोर्ड के वित्त और मार्केटिंग समिति के सदस्य बने और फिर अक्टूबर 2019 में BCCI के सबसे युवा सचिव बने। BCCI सचिव के रूप में अपने कार्यकाल में उन्होंने सौरभ गांगुली के साथ मिलकर के काम किया, जबकि इसके बाद रोजर बिन्नी के साथ कार्य करने लगे। मालूम हो कि बिन्नी फिलहाल BCCI अध्यक्ष हैं। शाह के BCCI सचिव के रूप में सबसे बड़ा काम 2022 में IPL मीडिया अधिकारों को 5 साल के लिए 48,390 करोड़ रुपए में बेचना रहा। इससे पहले IPL प्रत्येक मैच वैल्यू के आधार पर नेशनल फुटबॉल लीग के बाद दूसरा मोस्ट वैल्यूड स्पोर्टिंग लीग बना। शाह सिर्फ BCCI तक ही सीमित नहीं थे। उन्हें जनवरी 2021 में एशिया क्रिकेट परिषद यानी ACC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनके नेतृत्व कुशलता को देखते हुए इस साल जनवरी में शाह को एक बार फिर यह जिम्मेदारी सौंपी गई। नवंबर 2022 में शाह ICC के शक्तिशाली वित्त और वाणिज्यिक मामलों के उपसमिति प्रमुख बने। शाह ने इसके साथ ही राष्ट्रमंडल खेल जैसे इवेंट में क्रिकेट को शामिल कराने पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जय शाह ने कहा कि मुझे ICC का चेयरमैन चुनने के लिए सभी का धन्यवाद। मैं क्रिकेट को ग्लोबली बढ़ाने के लिए काम करता रहूंगा। फिलहाल क्रिकेट के मल्टीपल फॉर्मेट को बढ़ावा देना जरूरी है। मैं खेल में नई टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश करूंगा, साथ ही वर्ल्ड कप जैसे इवेंट्स को ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंचाऊंगा। शाह ने आगे कहा कि क्रिकेट का ओलंपिक 2028 में शामिल होना एक बड़ी उपलब्धि है। इसे हम ओलंपिक के जरिए ग्लोबल पहचान दिलाएंगे और ज़्यादा देशों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। शाह से पहले 4 भारतीय ICC चीफ का पद संभाल चुके हैं। जगमोहन डालमिया 1997 से 2000 तक, शरद पवार 2000 से 2012 तक, एन श्रीनिवासन 2014 से 2015 तक और शशांक मनोहर 2015 से 2020 तक ICC के चेयरमैन रहे। 2015 से पहले ICC चीफ को प्रेसिडेंट कहा जाता था, अब इसे चेयरमैन कहा जाने लगा। अब तक 4 भारतीय ICC का पद संभाल चुके हैं। हालांकि जय शाह को अब BCCI का सचिव पद छोड़ना होगा। ICC और BCCI में एक साथ 2 पद नहीं संभाल सकते। मीडिया में चर्चा की BCCI सचिव पद के लिए दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रोहन जेटली का नाम सामने आ रहा है। सूत्रों ने कहा कि जेटली ही BCCI के अगले सचिव होंगे। इसको लेकर के चर्चा भी अब तेज हो गई है। देखना दिलचस्प होगा कि BCCI का अब नया सचिव कौन बनता है। फिलहाल रोहन जेटली का नाम सबसे आगे चल रहा है, लेकिन उसके आगे भी देखना होगा कि क्या कोई और नया नाम आ सकता है। आपको बता दें कि ICC में जाने के बाद अब जय शाह की जगह पर किसी नए सचिव को आना होगा। VideoDesk.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।